बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही हालात हैं फ़कीरों के, वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के। अपना हलका है हलका जंजीर, और हलके हैं सब अमीरों के। हर बिलावल है देश का मकरूज, पांव नंगे हैं बेनज़ीरों के। वही अहले वफा की सूरत हाल, वही अहले वफा की सूरत हाल, वारे नारे बेज़मीरों के। साजिशें वही हैं खिलाफ़ अवाम, साजिशें वही हैं खिलाफ़ अवाम, मशवरे हैं वही मुशीरों के। बेड़ियां साम्राज की हैं वही, बेड़ियां साम्राज की हैं वही, वही दिन रात हैं असीरों के। दोस्तों, ये अशार इनकलाबी शायर हबीब जालिब के तहरीर करदा हैं। हबीब जालिब एक इनकलाबी शायर थे, जिन्होंने साम्राजी निज़ाम और नाम नहाद जमहूरियत के ख़िलाफ़ कड़ी तनकीद की। इसी पादाश में उन्होंने कई दफ़ा जेल के चक्कर भी काटे। अयूब खान के दौर में जब उन्होंने अपनी मशहूर ज़माना नज़म दस्तूर लिखी तो उन्हें 4.5 साल कैद का सामना करना पड़ा। उसके बाद याया खान का दौर आया, उन्होंने मशरकी पाकिस्तान की अलीहदगी पर भी एक नज़म लिख डाली, उस पर भी उनको महीनों जेल का सामना करना पड़ा। उसके बाद भुट्टो का दौर आया, भुट्टो की इब्तदा में तो वो बहुत तारीफ़ें किया करते थे, लेकिन उसके चंद इकदाम की वजह से उन्होंने उसके ख़िलाफ़ भी शायरी लिखी और फिर भुट्टो ने भी उन्हें कैद कर दिया। उसके बाद ज़ियाउल हक का दौर आया, ज़िया के दौर में उन्होंने अपनी मशहूर ज़माना नज़म ज़ुल्मत को ज़िया लिखी, जिस पर उन्हें दर्दनाक कैद का सामना करना पड़ा। उन्हें पाकिस्तान की बदतरीन जेलों में बंद रखा गया, मियांवाली की जेल में भी उन्हें चंद माह कैद रहना पड़ा। जो अशार मैंने आपके सामने पढ़े हैं, इसमें हबीब जालिब ये फरमाते हैं कि जो कौम के फ़कीर लोग हैं उनके हालात वही हैं जो आज से कई साल पहले थे। यहाँ फ़कीर से मुराद आम आदमी हैं। वो कहते हैं कि आम आदमी के हालात अशरों पहले जिस तरह के थे, आज भी वैसे ही हैं। सिर्फ़ जो साहिब इक्तदार लोग हैं, जिनके पास इक्तदार की ताकत मौजूद है, वही खुशहाल हुए हैं। आम आदमी की किस्मत आज तक नहीं बदल सकी, और जो कौम के अहले वफा हैं, यानी कि जो वफादार लोग हैं, वो दर बदर की ठुकरें खा रहे हैं, जबकि जो बेज़मीर लोग हैं उनकी मौजें लगी हुई हैं। इन अशार में हबीब जालिब कहते हैं कि जो लोग ताकत का सरचश्मा है, उन्होंने अवाम को ग़ुलाम असीर यानी कैदी बनाया हुआ है, और इन असीरों के दिन रात में कोई फ़र्क नहीं आया। मैं इसका इख्तिताम हबीब जालिब के इस कते पर करना चाहूँगा कि हक बात पे कूड़े और जंदा, हक बात पे कूड़े और जंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जान। इंसान है कि सहमे बैठे हैं, इंसान है कि सहमे बैठे हैं, दर्दनाक दरिंदे हैं रकसा। इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना। जुल्मत को ज़िया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। शुक्रिया।